उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सभी लर्नर्स एवं अन्य दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शुभांकर शुक्ला उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है ब्रिटिश काल में भारतीय लोक सेवाओं का विकास। हमारे देश में लोक सेवाओं का आज का जो स्वरूप है, वहाँ तक आने में हमने एक यात्रा तय की है, जिसमें कि यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से यदि देखें तो समय समय पर इस संबंध में कई चार्टर, कई अधिनियम जारी हुए। जैसे कि 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण हुआ, तो उस समय उसमें बहुत से कर्मचारी बहुत सी गतिविधियों को अंजाम देते थे या कई तरह के कार्य करते थे, जिसमें कई मिलिट्री के कार्य थे, कुछ नेवल सर्विसेज के कार्य थे और कुछ कमर्शियल सर्विसेज के कार्य थे। उसके बाद जो लोग कमर्शियल कार्यों में शामिल थे, उन्हें मिलिट्री और नेवल सर्विसेज से अलग करके उनके लिए एक पदबंध तैयार किया गया, जिसे हम सिविल सर्विसेज कहा गया और आज भी हम इसको सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश काल में कार्नवालिस जो पहले गवर्नर जनरल थे, जिनकी देख रेख में सिविल सर्विसेज जो है अस्तित्व में आई। हालांकि वारन हेस्टिंग के समय से ही जो कमर्शियल मामले थे, जिसको कि सिविल सर्विसेज का के एक तरह से दायरे के अंदर लाया गया, तो वारन हेस्टिंग के टाइम से ही बात चली थी कि कमर्शियल सर्विसेज के जो मामले हैं, जो संपादित हो रहे हैं, उनको सिविल सर्विसेज के नाम से संगठित करके एक सेपरेट तरीके से चलाया जाए। लेकिन सिविल सर्विसेज अगर संगठित रूप में, अगर प्रकाश में सिविल सर्विसेज का जो कॉन्सेप्ट आया, तो वो कॉर्नवालिस के टाइम पे ही आया। इसीलिए कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवाओं का जनक भी कहा जाता है, और ये सवाल कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इस समय तक लोक सेवाओं में, जब तक मतलब कॉर्नवालिस तक, जब तक कर सुधार नहीं हुए थे, लोक सेवाओं में जो चयन होता था वो प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से ना होके, बल्कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके द्वारा जो नियुक्तियां की जाती थी और जिनको नियुक्त किया जाता था उनका नाम नामित किया जाता था। बाद में लोक सेवकों के दायित्वों और अधिकारों में बढ़ोतरी की गई, केवल कमर्शियल मामले ही नहीं थे, कई अन्य मामले भी इसमें छोड़े गए, जिसके तहत लोक सेवकों की दो श्रेणियां बनाई गई। जब संगठित रूप आया, जब सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें दो श्रेणी बनाई गई, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं कवेनेंटेड पोस्ट और अनकवेनेंटेड पोस्ट। तो कवेनेंटेड पोस्ट का मतलब है प्रसंविधाबद्ध, अगर हिंदी की बात करें, और अनकवेनेंटेड का मतलब है गैर प्रसंविधाबद्ध। कई किताबों में ये जानकारी कई बार नहीं मिल पाती है, क्योंकि थोड़ा इसकी हिंदी मुश्किल है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है, कवेनेंटेड का जो इंग्लिश मीनिंग भी है, उसका ये मतलब है कि अ टर्म ऑफ एग्रीमेंट विच हैज़ बीन डन बिटवीन मल्टीपल पार्टीज। तो उसका मतलब है कि कवेनेंटेड से मतलब था कुछ सर्विसेज इतने से रिजर्व की गई कि भाई इतने काम होंगे और ये इन दो लोगों द्वारा किए जाएंगे, और ये जो काम उसके अलग होंगे वो अनकवेनेंटेड गैर प्रसंविधाबद्ध जो सर्विसेज थे उनकी उसमें जो शामिल लोग थे वो करेंगे। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट अगर सरलता में अगर हम समझना चाहें, तो कवेनेंटेड मतलब थी वो उच्च जो स्तर की उच्च श्रेणी के पद थे, उच्च स्तर की नौकरियाँ थीं, और जो निम्न स्तर के पद थे, निम्न श्रेणी की नौकरियाँ थीं, उनको गैर प्रसंविधाबद्ध की श्रेणी में रखा गया था। इसीलिए जो लोक सेवकों की कवेनेंटेड वाली श्रेणी थी उसमें बिल्कुल अंग्रेज ही नियुक्त होते थे, जबकि अनकवेनेंटेड वाली जो श्रेणी थी उसमें भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। इस वजह से जब सिविल सर्विसेज में भ्रष्टाचार वगैरह ज़्यादा बढ़ गया, तो कार्नवालिस ने कई सुधारात्मक कदम उठाए, जैसे उनकी सैलरी बढ़ाई और यह सुनिश्चित किया कि वह किसी निजी व्यापार के क्षेत्र में जो है संलिप्त ना हो, जिससे उनका जो मुख्य जो फोकस था उससे वो डिरेल हो रहे थे, उसे हट रहे थे। इसके लिए फिर कई कड़े कानून भी बनाए गए, और साथ में उनका क्रियान्वयन भी बहुत तत्परता के साथ किया गया। जैसे कि पदोन्नति हो तो उन्होंने वरिष्ठता को आधार बनाया, जिससे उसमें संतुष्टि बने रहे जो सिविल सर्विस के कर्मचारी काम करते हैं, और जिसमें लोक सेवकों का 5 से 6 वर्ष में प्रमोशन कर दिया जाता था। तो कार्नवालिस का कार्यकाल जो था 1786-1793 के बीच में था। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली आए,
और लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 तक के बीच में था। तो लॉर्ड वेलेजली जब गवर्नर जनरल हुए उनके कार्यकाल में लोक सेवाओं के संबंध में एक बड़ा बदलाव हुआ, जिसके तहत भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि जो नव चयनित जो लोक सेवक थे उनको भारत में प्रशिक्षित किया जा सके, जो मतलब भारत से भी जो चयनित किए जाते थे उसको भारत में प्रशिक्षण दिया जा सके। परंतु जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ 1806 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनके जो बनाए फोर्ट विलियम जो कॉलेज था उसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया गया, और इसके बदले इंग्लैंड में हैलीबेरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना हुई, जहाँ पर नव नियुक्त लोक सेवकों को 2 साल की एक तरह से ट्रेनिंग कर सकते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता था। इसमें भी लोक सेवाओं से संबंधित कुछ बड़े बदलाव हुए, जिसमें यह कहा गया कि लोक सेवकों की जो भर्ती है अब खुली प्रतियोगिता के तहत होगी। ये था चार्टर एक्ट 1853। इसके तहत मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो बदलाव हुआ, जब 1853 का चार्टर आया तो उसमें कहा गया कि लोक सेवकों की जो भर्ती है अब खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होगी। और इसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नामित जो लोग होते थे उन्हीं का चयन होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन कुछ लोगों का नाम सुझाता था जिससे उनका चयन किया जाता था। जब खुली प्रतियोगिता की बात की गई तो उसमें भी अभी और भी सुधार होने बाकी थे। उसमें जैसे कि वो तुरंत जब इसका प्रस्ताव आया तो हालांकि क्रियान्वित करने में थोड़ा देर हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब सिविल सेवाओं की खुली प्रतियोगिता का जो सवाल आता है, जब खुली प्रतियोगिता की प्रथम बार जो इसको प्रकाश में लाया गया, जब इसकी बात की गई, तो इसकी शुरुआत चार्टर एक्ट 1853 से की गई। हालांकि इसकी अनुशंसा मैकाले रिपोर्ट में भी की गई थी। अब चूंकि प्रतियोगिता करवानी थी तो उसके लिए एक ऐसी संस्था की ज़रूरत महसूस हुई जो इस पूरे निगरानी तंत्र को देखेगी, इसकी देखरेख करेगी, जिसके चलते सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना 1854 ईस्वी में की गई। इसके बाद इस सिविल सर्विस कमीशन ने 1855 से ही परीक्षाएं करवानी शुरू कर दी, और ये परीक्षाएं लंदन में हुआ करती थी, और इसकी जो अधिकतम उम्र सीमा तय की गई थी वो 23 वर्ष रखी गई थी। इसी के साथ चार्टर एक्ट 1853 में जो कॉन्वेंटेड मतलब जो उच्च श्रेणी के पद थे लोक सेवकों में, अंग्रेजों की जो नियुक्ति होने वाली शर्त थी उसको भी हटाया गया। अब भारतीय भी प्रतिस्पर्धा करके कन्वर्टेड जो उच्च श्रेणी के पदों वाली जो पोस्ट थी उसको अपनी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लोक सेवक अगर बनते तो उसको वो प्राप्त कर सकते थे उस पद को। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1861। इसमें 1861 में भारतीय सिविल सेवा का जो इसको एक्ट भी कहा जाता है, अधिनियम जब आया तो इसमें कुछ अधिकारियों को जिसे कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए आरक्षित किया गया था, उसको उसके अलावा यहाँ स्पष्ट किया गया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं केवल अंग्रेजी माध्यम से ही होंगी, और इसका जो सिलेबस होगा वो ग्रीक और लैटिन पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। मतलब कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे जो भारतीय थे या अन्य लोग थे उनको एक तरह से साइड में या उनको छांटने की मतलब एक कवायद थी एक तरह से ब्रिटिशर्स की। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि नियुक्तियाँ जो होंगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के स्वीकारोक्ति के बाद ही की जाएंगी। जब से खुली प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई थी अर्थात 1855 से 1859 तक, तब से सिविल सेवाओं में प्रतिस्पर्धा की जो अधिकतम उम्र सीमा थी वो 23 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 1860 में इस सीमा को घटा के 22 साल कर दिया गया। एक और ऐसा जो जिसे बोलते हैं रिग्रेसिव कदम था हमारे लिए एक इंडियन के तौर पे, उसको 22 साल किया गया, और अभी भी परीक्षा जो लंदन में ही जाकर देनी होती थी, मतलब 22 वर्ष भी उम्र भी घटाई गई और परीक्षा देने के लिए आपको अगर सिविल सर्विस में आना है तो आपको लंदन जाना पड़ेगा। इन परिस्थितियों में जो सुरेंद्रनाथ टैगोर थे, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इसी के साथ ही पहले सिविल सेवा को उत्तीर्ण करने वाले वो पहले भारतीय बने। उसके बाद 1866 में उस उम्र सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया गया, पर इसके बावजूद 4 भारतीयों ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। भारतीय लगातार परीक्षाएं उत्तीर्ण करते जा रहे थे, और ऐसे में 1878 में इस सीमा को बढ़ाकर 19 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद एक बदलाव 1878 से 1879 में किया गया, जिसमें उन दिनों लॉर्ड लिटन जो थे वो वायसराय थे, और उन्होंने एक स्टेचुटरी जो लोक सेवाओं की शुरुआत की, जिसमें यह कहा गया
कि जो 1/6 कमनेंटेड पद होंगे, या मतलब 1/6 जो भर्तियां होंगी, वो पद उनके द्वारा भरे जाएंगे जिन्हें स्थानीय सरकार अपने मतलब स्थानीय सरकारें नामित करेंगी, और वो उनका नाम सुझाएंगी। उसके बाद वो उनके उनके द्वारा नामित करने के पश्चात उनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी। हालांकि ये नियुक्तियाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की स्वीकृति के बाद ही होंगी, लेकिन ये व्यवस्था बहुत दिन तक चल नहीं पाई, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की अनुमति लेना, फिर स्थानीय सरकारों से नामित करना, और उसके हमारे पास भी उतने अधिकार थे नहीं स्थानीय सरकार के रूप में। तो वो एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि जिसकी वजह से इसको निरस्त करना पड़ा। इसके कुछ ही समय बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, और यहाँ से फिर एक बड़े स्केल पर सिविल सर्विसेज में सुधार की मांग को बल मिला, और इसका असर भारतीय शासन अधिनियम 1919 में भी दिखा। इसके बाद 1924 में ली कमीशन की स्थापना हुई, जिसने कई बड़ी रिकमेंडेशन दी, और अंत में भारतीय शासन अधिनियम 1935 आया, जिसमें काफ़ी बड़े संस्थानात्मक बदलाव किए गए। तो साथियों, आज का विशेष रूप से जो ये क्लास थी, ये ब्रिटिश काल में भारतीय लोक सेवाओं के विकास के संदर्भ में थी, और ये भारतीय प्रशासन के कोर्स के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अन्य भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।